हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि यदि आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज है तो फिर यह आपके लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, और इसके साथ ही आप इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को पता ही होगी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वह हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत शरीर हमारा जो भी या फिर जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उसे ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा की ज़रूरत हमारे शरीर को हमेशा रहती है। इस तरह मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर को ऊर्जा देने और शरीर में सेल्स बनाने में हमारी मदद करता है। तो अब यदि यह बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो फिर इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होना भी अच्छा नहीं है। कुछ रोगों जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक हो जाता है। इससे शरीर का वजन जो होता है वह बहुत ही तेज़ी से घटने लगता है। चुस्ती की बजाय आपके शरीर में सुस्ती आने लगती है, यानी कि आपको कमजोरी फील होती है, शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। अगर ये लक्षण नजर आए तो तुरंत किसी हार्मोन एक्सपर्ट को आपको दिखाना चाहिए। ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए आप कोशिश करें कि मेटाबॉलिज्म जो है वह आपका संतुलित रहे, यानी कि ना ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा अधिक हो। इसे संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जितना संभव हो सके पैदल चलें, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ही उतरें और चढ़ें, समय पर खाना खाएं, खाना खाने में आप फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और समय पर वह पर्याप्त नींद लें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद आप जरूर लें। तो इस तरह से आप अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।